नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, दूसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। 23 मई को आए नतीजों में अकेले बीजेपी ने हासिल किया था पूर्ण बहुमत। मोदी मंत्रिमंडल ने ली शपथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमन ने ली मंत्री पद की शपथ। इसके अलावा रामविलास पासवान और नरेंद्र सिंह तोमर ने ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, साथ में गुलाम नबी आजाद भी रहे मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने मंत्री पद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारी पार्टी के केवल एक नेता को दिया जा रहा था मंत्री पद, जिसको हमने लेने से कर दिया इनकार। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश में 16 साल के बच्चे की लगातार पबजी खेलने के कारण हुई मौत। नीमच शहर के फुरकान को बहुत ज्यादा पबजी खेलने से पड़ा दिल का दौरा। राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी, राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा न देने के लिए समझाया। लंदन के कोर्ट ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की कस्टडी 27 जून तक बढ़ाई। 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। एक महीने तक TV बहसों में नहीं दिखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस पार्टी ने सभी प्रवक्ताओं से एक महीने तक TV बहस में जाने से किया है मना। साथ ही TV चैनलों को भी पत्र लिखकर ना बुलाने का किया अनुरोध। इससे पहले समाजवादी पार्टी भी ले चुकी है ऐसा ही फैसला। YSR कांग्रेस चीफ जगन मोहन रेड्डी ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। DMK प्रमुख MK स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे मौजूद। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली जगन मोहन रेड्डी ने। UPSC ने टाली मेंस परीक्षा, 17 जून से 21 जून तक होनी थी परीक्षा। साथ ही पेपर लीक मामले में हिरासत में ली गई परीक्षा नियंत्रक अंजू कटारिया। महाराष्ट्र में इस साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में नहीं लागू होगा EWS आरक्षण। PG मेडिकल एंट्रेंस में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण वाले राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सीटें बढ़ाए नहीं लागू हो सकता है EWS आरक्षण। जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 329.92 अंक चढ़कर 39,831.97 पर हुआ बंद। तो निफ्टी भी 85.65 अंकों की उछाल के साथ 11,946.75 पर हुआ बंद। अनुभव सिन्हा निर्देशित आर्टिकल 15 का ट्रेलर हुआ रिलीज। आयुष्मान खुराना निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। फिल्म देश में हो रहे जातिवाद भेदभाव पर है आधारित। अनुभव सिन्हा ने इससे पहले बनाई थी मुल्क नाम की फिल्म। आज से शुरू हुए क्रिकेट विश्व कप में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। लंदन के ओवल ग्राउंड में खेला जा रहा है मैच। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया था फैसला। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।